हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज है संडे और आज है सबका रिलैक्स वाला डे। अभी बज रहे शाम के 5:30। एक मिनट में टीवी ऑफ कर दूं। और अभी मेरे शाम के काम चल रहे हैं। मैं आज कोई व्लॉग नहीं करने वाली थी, लेकिन सोचा चलो कुछ भी हो, लेकिन हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो आज है ना, मुझे नीचे वाला जो मेरा जिना है बाहर का वो, और इधर की जो हमारा पैसेज है वो मुझे साफ करना है। तो चलो पहले वो साफ कर लेती हूँ। मनो फड़ा दे गई, इतना फड़ा फड़ा ये देखिए आई तो फड़ा ना, ये तो खिड़की और बस ये देखिए इस तरफ का जो जिना है वो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, और ऊपर की साइड है, तो वो आज मुझे साफ करनी है। देना बड़ा अभी यहाँ का तो साफ सफाई हो गई मेरा। अभी मुझे रात घर की जो है शाम के टाइम में घर पर घर के अंदर का जो हो झाड़ू लगाना बाकी है मेरे। और ये देखिए ऊपर ये मैंने अभी साफ किया। देखिए अभी शाम का टाइम है, तो मैं भी अंदर की तरफ झाड़ू लगाना है मुझे। चलो मुड़ का कुछ भी हो, लेकिन हमारे काम तो हमें ही करनी पड़ेंगे ना। कौन कौन लेडीज तैयार होती है शाम के टाइम में मुझे बताना जरूर। तो इस तरीके से तैयार होते ना समय ना मुझे वो वाला गाना आना याद आता है,
सजना है मुझे सजना की। पूरा नहीं गा सकती मैं। रोज सुबह शाम है ना, मैं एक घी का दिया जलाती हूँ और एक तेल का। तो ये देखिए मेरा ये घी का दिया है और ये वाला जो है वो तेल का। शाम के टाइम है ना, मैं भगवान जी का जो हमारा पूजा अवसर होता है वो जरूर बोलती हूँ जोर जोर से। अच्छा फील होता है घर में, तो अभी मैं वही बोलूंगी। तो सायं पूजा अवसर संध्या सुबे समय पर चक्र पाणी बीजे करी अनुचरा समवे तसर्वा। मैंने ना आज सवेरे में फूल नहीं भगवान जी को अर्पण किए थे, तो वही अभी चढ़ा रही हूँ। अभी मैंने ना बाहर से तोड़ कर लाए। बीजे करी अनुचरा समवे काल पूजा अवसर संपूर्ण शंभो तु श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। 1650 तीर्थस्थान की जय। सत्य सनातन महात्म धर्म की जय। बोल मुरली वाले की जय। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं अपने भगवान जी पर मेरा बड़ा विश्वास है। मैं इनकी पूजा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। और हम अगर अपने घर में पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें देखते हैं और उन पर भी अच्छे संस्कार पड़ जाते हैं। तो हम लेडीज़ को जो है ना, वो हर सुबह शाम जो है वो पूजा घर में करनी ही चाहिए, है ना बिल्लू? मम्मी करती है क्या रोज़? आप सीखते हो, आप सुनते हो। तुम्हारा पैर दिखाओ मनु। ये देखिए मनु ने उसके पैर पर निकाल के अभी कृष्णाली के पैर पर निकाल रहे हैं। तुमको हाथ काट एक मिनट। और कृष्णाली को जो है ना, इसका बहुत शौक है। अभी इसके बाल कितने छोटे, फिर भी उसको ऐसे बांधने बांध कर चाहिए चाहिए उसको ऐसे ही चाहिए, नहीं तो वो स्कूल में भी बोलते मुझे ऐसे ही चाहिए ऐसे ही चाहिए। ये देखिए चाय कप मेरा इतना बड़ा होता है, लेकिन मैं उसमें इतनी सी चाय लेती हूँ, पूरा भर के नहीं ले रही हूँ। तो आज मैं बनवा रही हूँ थाली पीट। बच्चों का भी भूख लगी है तो उनके लिए। ये देखिए यहाँ पर एक बाउल जो है वो मैंने गेहूँ का आटा लिया, आधा बाउल जो है ज्वारी का पीट, थोड़ा सा बेसन। आपके पास में अगर बाजरे का पीट हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास में नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। मैंने यहाँ पर चार प्याज जो है वो कट करके रखे हैं, वो भी इसमें डाल दूंगी।
और ये हरा धनिया, अब इसमें डाल दूंगी। अभी मेरे पास है धनिया पाउडर नहीं, तो वो मैं नहीं डालने वाली हूँ। तीखा लाल मिर्च जो है वो बच्चों के हिसाब से, क्योंकि प्याज का भी तीखापन आ जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही डाल दूंगी। लगभग 1 पाउंड चम्मच जो है वो मैंने लाल तीखा डाल दिया। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, बस अभी मैं इसको इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लूँगी। ये देखिए नमक, इसमें इसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा पतला सा इसे हमें गूंद लेना है, ताकि हमें इसे जो मैं इसे जो है ना वो एक रुमाल पर इसे बना के बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से इसकी थिकनेस जो है वो तो हमें थोड़ी सी पतली रखनी है। मैं अभी बनाऊंगी। एक बाउल में जो है हमें थोड़ा सा पानी लेना है, इसमें मैं इसे डुबोकर अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। ये पानी गीला कर लेना है हमें रुमाल, और इसे इसे इस पर डालकर, ये महाराष्ट्रीयन थालीपीठ बोलते हैं इसे, झटपट होने वाला। मैंने खुद से ही बनाया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। अब इसमें थोड़ा सा मैं आटा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे बनाना है। जब तक मैं ये बना लूँ तब तक हमारा तवा भी जो है वो गर्म हो जाएगा। आपको जितना चाहिए उतना आप बना सकते हो, पतला या ब्रॉड वगैरह तो ऐसे आप बना सकते हो। ज़्यादा पतला नहीं बनाना, क्योंकि वो फिर रुमाल को चिपक जाता है। तो ये देखिए अभी मेरा थालीपीठ जो है बनकर रेडी हो गया है। इसको इस तरीके से होल बनाने हैं, क्योंकि इसे हम सेकते वक्त इस पर इसमें ऑयल डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से अंदर अंदर हमारा ऑयल जो है वो चला जाएगा। तो ये देखिए हमारा तावा अभी गर्म हो चुका है। ये देखिए मैं इस पर अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, और फिर हमें गैस जो है वो कम करना है, और इस तरीके से हमें इसे उठा के, तो ये तावे पर चिपक जाएगा और फिर हमारा हैंकी जो है ऊपर से निकल आ जाएगा। अभी इसे हमें अच्छी तरीके से सेंक लेना है। देखिए नीचे से हो गया, और मैं इसको पलट दूंगी। गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई बना करनी है, और थोड़ा सा ढककर रख देना है, क्यों ताकि वो जल्दी से पक जाएगा। गैस की फ्लेम हाई करके हमें इसे फिर इसे दबा दबा कर हमें इसे सेंकना है, तो वो जल्दी से सेक जाता है हमारा थालीपीठ। आप केचप के साथ भी दे सकते हो। तो ये देखिए अब ये दोनों जाएगी मम्मी के लिए, और आज मैं आपको मम्मी का रिएक्शन दिखाती हूँ मेरे रेसिपीज पे। तो चलिए मम्मी है नीचे, तो आज मम्मी का रिएक्शन दूंगी मैं आपको किस तरीके से बने थाली पेट किसने सरक बड़ा। ये देखिए मम्मी ने अभी है ना यहाँ पर थोड़ी सी मेथी की सब्जी ली है, और उसके साथ में ये है अचार, आम का अचार है। तो अभी मम्मी खाकर बताएगी आपको कैसे, हर रोज तो मैं बताती हूँ लेकिन आज मम्मी बताएगी। सांगा बोल कर बोलो आता खाओ ले ना खाने लगे रख दे। सांगा ले एकदम टेस्टी खरच अच्छे बने। मम्मी बोल रही है मराठी में बात कर रही हो। एकदम अच्छे बने हैं, टेस्टी बने।
काका टाकलं इथे बोल कांदा तेल टाकलं ना ते नेहमीच नाही बनवत कमी. बस यही था मेरा आज का व्लॉग. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा. तो मैंने जो थाली पीठ आज आपको दिखाए वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी आज उसकी रेसिपी दिखा दूं. तो बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं कैसे नहीं. तो आज है गीता जयंती जो कि श्री गोपाल कृष्ण भगवान जी की है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता सॉरी, तो उसकी जयंती है आज. मैं आपको बताना भूल गई थी तो मैंने उसका पाठ जो है वो सवेरे में ही कर लिया था. तो बस आपको आप सब लोगों को मेरी तरफ से गीता जयंती की ढेरों शुभकामनाएं. तो चलिए एक बार हम जय जयकारा लगाते हैं. श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय. तो चलिए इसी जय जयकारा के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय 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 बाय.